दोस्तों हम आ चुके हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और यहाँ से हमें जाना है अमृतसर। वहाँ जाके हम नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों ऐसा होता है कुछ सेकंड सिटिंग। दोस्तों ट्रेन चल रही थी और अचानक से हमें पता चला कि यहाँ पे किसी ने चैन खींच दी है। ये देखिए सामान उनका, और वहाँ पे सिक्योरिटी आ रही है। दोस्तों 2 बज चुके हैं और हमने अपना आधा सफर क्रॉस कर लिया है। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा नजारा है। 2:30 बज चुके हैं और अब हमारी ट्रेन रुकी है इस स्टेशन पे। स्टेशन नहीं है ये, बेसिकली कोई जगह है जहाँ पे पता नहीं किस रीज़न से ट्रेन रुकी हुई है। और रुक के हमने देखा कि यहाँ पे एक छत के ऊपर ऐसा प्लेन बना हुआ है जो कि काफ़ी वियर्ड है। दोस्तों ट्रेन से उतर चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं अमृतसर स्टेशन। यहाँ से अब हम एक होटल लेंगे और होटल जाने के बाद वहाँ से फिर हम आज वाघा बॉर्डर जाएंगे। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अमृतसर स्टेशन और यहाँ पे अभी हमने डिसाइड किया है कि एक होटल लेंगे और होटल लेने के बाद फिर आज शायद जलियांवाला बाग देखेंगे। ये देखिए दोस्तों जलियांवाला बाग के आसपास के इलाके को इस तरीके से सजा रखा है। जलियांवाला बाग के बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे मूर्ति है, यहाँ पे भंडारा हो रहा है, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम बट रही है। वहाँ पे फ्रूटी बट रही थी और उससे आगे खाना बट रहा था। इसके जस्ट ऑपोजिट जलियांवाला बाग है, आप देख सकते हैं। इस जगह पे हम आए हैं 6:50 पर और अभी यहाँ पे एंट्री स्टार्ट होगी 7:05 पर, तो हम वेट कर रहे हैं। अंदर एंट्री ले चुके हैं और ये है कुछ जलियांवाला बाग का सीन। फायरवर्क्स देख सकते हैं क्योंकि आज गुरुपूर्व है। खैर अब बंद हो गया। हमने नाइट में आना प्रेफर किया है क्योंकि यहाँ पे लाइटनिंग काफी अच्छी होती है और ये वो बिल्डिंग है जो आपको हर जगह दिखती है जलियांवाला बाग के नाम से। जलियांवाला बाग का सीन है। दोस्तों ये हम आए हैं ब्रदर्स ढाबा में जो कि अमृतसर में काफ़ी फेमस है। ये एम्बियंस है अंदर का। यहाँ पे हम एक नॉर्मल पंजाबी थाली खाने आए हैं, यहाँ पे काफ़ी स्पेशल है वो। एक बार फूड आएगा टेबल पे तो आपको दिखाएंगे कैसा दिखता है वो। दोस्तों हमारा खाना आ चुका है, आप देख सकते हैं हमने वेज स्पेशल थाली करी थी, कुछ ऐसी दिख रही है। दोस्तों हमने खाना खा के बाहर निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं इस समय बारिश हो रही है और इतनी भीड़ है। हमने खाना खाया था यहाँ पे और इसके बाद हम जाएंगे घर और कुछ ऐसा है माहौल। यहाँ पे मार्केट लगी हुई है और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, रात के 9 बजे हुए हैं। The next day. दोस्तों मैं रेडी हो चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ दूसरे दिन के लिए अपने ब्लॉग के लिए।
अब हम खाने जा रहे हैं लंगर। दोस्तों ये प्लेट्स हैं, दोस्तों हमने खाना खा लिया है जो कि लंगर था अंदर। दोस्तों टिकट ले चुके हैं हम, और टिकट लेने के बाद अब हम जा रहे हैं पार्टीशन म्यूजियम के अंदर। दोस्तों पार्टीशन म्यूजियम से निकल के अब हम जा रहे हैं वाघा बॉर्डर की तरफ, और अभी हम पहुंचेंगे। तो ये देखिए कितनी बड़ी लाइन है यहाँ पे सिर्फ अंदर एंट्री लेने के लिए। ये मेंस की लाइन है, वहां फीमेल्स की लाइन है। ये वाघा बॉर्डर के पास का सीन है। मेरे ख्याल से इस जगह पे नेशनल फ्लैग लगता होगा जो कि अभी नहीं है। फुल गारंटी वाली चड्डी, चाहे जितना खेलो कबड्डी टूट जाएगी, अड्डी नहीं फड़ेगी चड्डी।